आज जसवंत सिंह अपने एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं बेलगावी बेंगलोर। इधर कुमकुम मौली और गुड़ धाना और दही वगैरह। और फीलिंग जा रहे हैं क्या? फीलिंग आ रही है। एक बार मैं आपको जोधपुर का रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ गाइस। ये सुबह जल्दी जल्दी हमारा मजाक भी उड़ा रहे हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए। आ रहे हैं, आज रिपोर्टिंग है 28 तारीख को। हाँ, 27 को रीच करेंगे वहाँ। कुछ कुछ तो ओली है देश के ही गणों पर मतलब। और ये हो रही है भाई फौजी भाई की एंट्री। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अभी अर्ली मॉर्निंग 3 बजे हैं और हम लोग हैं जो अभी उठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मैं अभी चाय पी रहा हूँ और यहाँ पर जसवंत सिंह भी है जो चाय पी रहे हैं। दोस्तों, आज इतना जल्दी क्यों उठे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज जसवंत सिंह अपने एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं बेलगावी बेंगलोर। तो बैग पैक भी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये दोनों बैग, एक बड़ा बैग है और एक छोटा बैग, दोनों बैग पैक कर लिया है। और अभी इनकी विदाई होने वाली है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में जब घर से नौकरी के लिए विदा लेते हैं तो किस प्रकार विदा होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे, तो वो सब कुछ इस व्लॉग में आपको बताने वाले हैं। वही कि घर छोड़ के जो बंदा देश की सेवा के लिए, देख लीजिए आप, एक लुक देख लीजिए। अभी सर्दी बहुत पड़ रही है गाइस, अभी आप देख सकते हैं दरवाज़ा बंद है, हमने खोला नहीं अभी तक, घर के अंदर ही बैठे हैं। फटाफट चाय पी रहा हूँ मैं। जो मम्मी जी को प्रणाम वगैरह कर दिया है, माता जी का आशीर्वाद ले लिया है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं भाभी साहब यहाँ पर हमारे राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से, ये देखिए थाली है जिसके अंदर कुमकुम मौली और गुड़ धाना और दही वगैरह और फिर तिलक वगैरह लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, और काफ़ी लोग अभी तक हमारे घर में सो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पहले तो आप ये देखिए कि तिलक वगैरह कैसे करते हैं। और जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए घर से बाहर जाते हो उसी प्रकार से जो दही पिलाया जाता है, गुड़ खिलाया जाता है। और हाथ में थाली पकड़िए, थाली तो इनको मिल चुके हैं 100 रुपये सुबह सुबह 3 बजे। और अभी हमारे यहाँ बालाजी को और हमारे देवता है आराध्य देवता, उनको हाथ जोड़ रहे हैं। ये यहाँ भगवान जी का हमारे है मंदिर, और मंदिर में कर रहे हैं अगरबत्ती और हाथ जोड़ेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। यहाँ पर घंटियाला बालाजी, रामदेव जी, राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। यहाँ पर खेताराम जी महाराज की पूजा करते हैं और रामचंद्र जी की, लक्ष्मी जी की, नागनी जी माता जी की, जो भी हमारे घर में देवी देवता हैं वो सब यहाँ पर हम पूजा करते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार। तो गाइस, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए हमने टोपी पहन ली है और घर से बाहर जाने की तैयारी कर चुके हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कुछ लग रहा है अभी? फीलिंग कैसी आ रही है? फीलिंग जा रहे हैं क्या? फीलिंग आ रही है। अच्छा, देखो गाइस, अभी जैसे जैसे ट्रेनिंग पर जाने लगे हैं तो धीरे धीरे फौजी भी लगने लग गए हैं लुक वाइज भी। और एक मैं हूँ, मेरे साथ में सुरेंद्र सिंह है, ये भी आर्मी की तैयारी करते हैं और आर्मी में सेलेक्टेड हैं। इन्होंने एक्सीलेंट दौड़ मार रखा है, पूरा
इनके वीडियो भी आने वाले हैं, इनके इंटरव्यू भी आने वाले हैं चैनल पे, कैसे आर्मी पास करी। तो गाइज अभी घर से प्रस्थान कर रहे हैं, बाहर बहुत अंधेरा है, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, सीधा आपसे मैं रेलवे स्टेशन पर मिलूँगा। यहाँ से अभी लेट भी ज़्यादा हो रहा है इसलिए फटाफट से निकलते हैं। गाइज अभी हम लोग है जो बहुत सुबह जल्दी जल्दी है जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ बाहर ही फार्मा की दवाई से कुछ है जो ले रहे हैं। क्या ले रहे हो? पाउडर वगैरह ले रहे हैं, फेस पाउडर और वही सब कुछ। एक बार मैं आपको जोधपुर का रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ गाइस। ये सुबह जल्दी जल्दी हमने जोधपुर का रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं जोधपुर जंक्शन, और जोधपुर का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है वहीं पर हम लोग अभी खड़े हैं। और बहुत ही कड़ाके की ठंडी भी है जो पड़ रही है गाइस। अभी जसवंत सिंह को ट्रेन में बिठाने के लिए आए हैं और ये आई लव माई सन सिटी और जोधपुर, वो लोग अभी दवाई की दुकान से जल्दी फ्री होते हैं क्योंकि हम लोग घर से बहुत फास्ट आए गाइस। मतलब कि बाइक पे क्या ठंडी लगी भाई, ज़ोरदार, फिर भी फुल स्पीड में, क्योंकि जल्दी सुबह जल्दी उठने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बहुत लेट हो गया था उठने के लिए भी। ये देख सकते हैं आप लगेज को यहीं पर रख दिया है, मैं कैश दे देता है लोगों पेमेंट वो। अभी गाइज यहाँ से सामान ले लिया है, अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। ये देख सकते हैं सामान वगैरह सब रवाना हो चुका है साथ में। और जैन सर, जैन, क्योंकि आज से अब जॉइनिंग स्टार्ट हो गई है तो अब जैन तो बोलना पड़ेगा। आराम से आराम से। ये सुरेंद्र सिंह जी हमारे अगुवाई कर रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं और पीछे हम लोग। ये रेलवे स्टेशन के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ है आप देख सकते हैं, और यहीं पे टिकट वगैरह कटते हैं, यहीं पे एंट्रेंस हैं। कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ा रहे हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए। तो और इस मशीन के अंदर सामान रखा जा रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी चेकिंग होती है। मैं धीरे धीरे अंदर चला जाता हूँ अंदर की ओर और आपको दिखाता हूँ गाइस यहाँ पर। ये देखो सामान इधर बेल्ट पर आता है और यहाँ से फिर लोग है जो वापस कलेक्ट भी कर लेते हैं। हमारा बैग ये वाला है जिस पे कंबल पड़ी है, लेकिन हमारा आदमी का है अभी तक आया नहीं। तो बैग नीचे भी आ गया था प्लेटफॉर्म में, बन है एक एक। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ही हमारी ट्रेन आने वाली है और ट्रेन को अभी भी टाइम पड़ा है लगभग 20 मिनट, पर वही हम मारवाड़ी लड़के हैं पहले ही आ जाते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी, इसीलिए। चाय 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 की आवाज़ आ रही है गाइस। और ये ट्रेन खड़ी है पर ये नहीं है। और आप बताइए क्या हालचाल है? बढ़िया, क्योंकि वहाँ पे जल्दबाजी में जो हालचाल भी नहीं पूछा आपसे, कुछ बात भी नहीं करी। अब जा रहे हैं, आज रिपोर्टिंग है 28 तारीख को, 27 को रीच करेंगे वहाँ पे वेलकम। अच्छा, और आगे की अपडेट वगैरह क्या कुछ आएंगे या नहीं? आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा आपको। अच्छा, आगे की अपडेट भी आती रहेगी गाइस और मैं आगे फॉरवर्ड भी करता रहूँगा। और सुरेंद्र सिंह को भी बहुत ठंडी लग रही है। बैग यहाँ पे रख दिया, एक बैग ये वाला है मैंने बताया था आपको बड़ा, और एक बैग ये पीछे लगा रखा है फिट्टू बैग। दो ही बैग लिए, एक पानी की बोतल ले लिए पीने के लिए, और खाने पीने का घर से लेके आए टिफिन बना के, पराठा वगैरह, नमकीन लेके आए, ड्राई फ्रूट, बाकी रास्ते में कुछ भी चाहिए होगा तो ले लेना, रास्ते में कहीं भावे तो लेकिन खा लीजिए। गाइज हम लोग की ट्रेन है जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, इससे हमें पता लगा अभी अभी, इसलिए हम लोग रवाना हो गए। अभी ऊपर आ गए, ऊपर से नज़ारे, अंधेरा है कोई दिख ही नहीं रहा नज़ारे, तो बाकी दिन को शानदार नज़ारे दिखते हैं ऊपर से। और ये हमारे फौजी भाई दोनों, एक एयरफोर्स और एक आर्मी। ये भाई सुरेंद्र सिंह ने जो बैग उठा के रखा है वो बहुत भारी है, पर फिर भी जवान आदमी है, उठा दिया देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और यहीं पर हमारा ट्रेन का जो डिब्बा है वो आने की लगभग संभावना है। और इधर आप देख सकते हैं जसवंत सिंह और सुरेंद्र सिंह अपने आईफोन से फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, यादों को सहेज रहे हैं।
और सुरेंद्र सिंह जी आप क्या कहना चाहते हो अभी? कुछ कुछ तो बोलिए देश के ही गणों पर, मतलब ही गणों पर ही बहुत गणों पड़ रही हो यार अटे, और मतलब कि दूसरी आई आप देख सको जेब में हाथ गाली उड़ाए, और हम लोग बाइक पे आए थे फिर भी मैंने ग्लव्स लगा रखे थे और आपने ग्लव्स नहीं लगा रखे थे, लगा रखे हैं ग्लव्स? हाँ, नहीं तो मैं सोच रहा था कि इतनी फास्ट बाइक कैसे चल सकती है, बिना ग्लव्स के बाइक चलाना ठंडी में बहुत मुश्किल है गाइस। और बताइए जसवंत सिंह जी, बताइए। मतलब कि आप अभी, हाँ ट्रेन तो आ ही रही है, हॉर्न बज रहा है ट्रेन का, पर 5-10 मिनट बाकी है अभी तक। 5-10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मैं 10 मिनट सुनहरे पल बिता रहा हूँ। सौभाग्य तो हमारा है कि हम अभी यहाँ पर है ना ट्रेन पर ड्रॉप करने के लिए आए, बिकॉज हम लोग जोधपुर में थे इसलिए, क्योंकि मैं आया हूँ एक और एक सुरेंद्र सिंह जी आए हैं, और जो लोग जोधपुर में हैं वही लोग आए हैं, ज़्यादा लोग हमारे जो फ्रेंड सर्कल के हैं वो जोधपुर में रहते नहीं हैं, इसीलिए हम फैमिली से ही 2 लोग आए हैं। और इतनी ही लग गई मैंने नहीं लग रही, मैं मास्क पहन लो। तो ये ठंडी से दूजने लग गए हैं गाइस, बहुत ही लग रहा है, अभी मास्क निकाल के मास्क भी लगाएंगे ताकि थोड़ा सा नाक में ठंडी जाने से भी बचे। तो अभी कोरोना से बचने के लिए नहीं, ठंडी से बचने के लिए जो है N95 का मास्क लगा दिया है। मास्क आने के बाद में एक सुविधा तो हो गई है, मतलब जैसे ठंडी लगती है तो पहले आदमी वो मफलर वगैरह लगाते थे, अभी मास्क लगा देते। आपने बहुत देखा होगा बहुत जगह पर, मैं भी बहुत जगह पे देखता हूँ लोग ठंडी से बचने के लिए मास्क लगाया। तो गाइज अभी तक ट्रेन आई नहीं है, 10 मिनट ऑलमोस्ट हो गया है वेट करते हुए भी हम लोगों को, और ठंडी भी भाई भयंकर वाली ठंडी पड़ रही है, जितने भी लोग यहाँ पर है सभी मफलर टोपी वगैरह लगा रखी है। और आप अभी यहाँ रेलवे स्टेशन से जो भी युवा हैं जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो नए रंग रूट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहूँगा जो जोधपुर से निकल रहा है वो सावधानी से निकले, ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरे की वजह से गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए, और बाकी सर्दी जुकाम से अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोविड का वापस जो आशंका हो रही है, इसलिए वो जो नेगेटिव रिपोर्ट हो तो साथ ले जाएं, नहीं हो तो कुछ बात नहीं है ऐसी। अभी तक थोड़ी मांगी है नेगेटिव रिपोर्ट साथ में, अभी तक तो नहीं मांगी है। बाकी आपके पास जो वैक्सीन का वैक्सीनेशन कार्ड लेके जाना है, उसमें लिखा हुआ है ना वैक्सीनेशन कार्ड का, 2 डोज होनी चाहिए या बूस्टर डोज नहीं हो तो वही चलेगी, 2 डोज तो होनी चाहिए बिल्कुल। एक पानी की बोतल भी है जो लेके आ गए हैं अभी ज़रूरी सामान के लिए, और लगता है ट्रेन आने वाली है कुछ ही पलों में, तो उसके बाद में ट्रेन में एंट्री है वो भी होने वाली है हम लोगों की तो नहीं होने वाली एक्चुअली, इनकी होने वाली है सिंगल एंट्री, और हम लोग वापस अपना वही लाइफ स्टाइल है, आपको पता ही है। इस ब्लॉग पे चैनल पे देखते रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अभी एक बार, आप इसको इन लोगों को बोल दीजिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे कहने से बहुत कम करते हैं। जो एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, आर्मी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी चैनल को व्यू कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये चैनल अच्छा है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे जो भी कोई एस्पिरेंट कोई गोल अचीव करता है, जैसे कोई नौकरी वगैरह लगती है उसकी, तो वो यहाँ पे इंटरव्यू देता है, अपने जो स्ट्रगल की कहानी है वो यहाँ पे बताता है, तो आपको एक डाउन टू अर्थ वाला जो है माहौल वो आपको पता चलेगा, ताकि आपको इससे इंस्पिरेशन मिले, एक गुड इंस्पिरेशन मिले, इसलिए आपको अच्छा चैनल ढूंढना पड़ेगा। जैसे कोचिंग्स वगैरह में ये होते हैं कि जो कहानी होती है वो मनगढ़ंत होती है, बाकी जो बंदा जैसे तैयारी करता है उनको इन्होंने खुद देखा है कैसे तैयारी की है इसने, तो जो भी ये बनाते हैं वीडियो वगैरह जो भी है वो रियल है एकदम, और रियलिटी से बिल्कुल मतलब सटीक है। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी जानकारी मिलती है, अच्छी जानकारी मिलती है। दोस्तों यही बात है कि हम लोग डाउन टू अर्थ और जो ग्राउंड लेवल पे होता है वही बात बताते हैं आपको, नहीं किसी का प्रमोशन करते हैं और ना ही किसी की बुराई करते हैं, ठीक है। जो बात है, जो हकीकत है, जो कैंडिडेट किस प्रकार से जिन्होंने जो स्ट्रगल किया और सफलता हासिल करी, इनकी स्टोरी आई, और भी काफ़ी लोगों की स्टोरी हमारे चैनल पर आ चुकी है। अभी इनका आर्मी में एक्सीडेंट हुआ है और तैयारी कर रहे हैं ये रिटर्न की, सुरेंद्र सिंह, तो इनके भी वीडियो आएंगे कि भाई किस प्रकार से आर्मी में जाएं, तो आर्मी वाले भी है जो वो भी चैनल को फॉलो जरूर करें कंटिन्यूसली देखने के लिए। और अब आगे
ट्रेन का जो इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ी देर, जो फाइनली काफ़ी इंतज़ार करने के बाद में गाइस ट्रेन आ रही है, हमेशा के टाइम से 10 मिनट लेट आई हैं। और ये ट्रेन बेलगांव जाने वाली जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। बैग हाथ में लेके हटी जाए हटी, और हम लोग अपने डब्बे का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नंबर देख रहा हूँ हर डब्बा जाने वाले को, मैं अपनी तिरछी आँखों से स्कैन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट यहीं पे आना चाहिए आंकड़ों के अनुसार तो लेकिन उसके अलावा भी कहीं इधर उधर भी हो सकता है गाइस। और तैयार हो गए हैं बैग वगैरह लेके एकदम अप टू डेट, अभी स्लीपर कोच के डिब्बे हैं वो आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर। और गाइस ये ट्रेन है जो यहाँ पे रुक चुकी है और अभी यात्री है जो उतर रहे हैं, पहले उतरने वाले और फिर हम लोग है जो ट्रेन में एंट्री करने वाले हैं। आज तो वो भी मेमोरीज के लिए, सब कुछ गाइस यहाँ मेमोरीज के लिए और मोटिवेशन के लिए हो रहा है, आप देख सकते हैं। गजब का मोटिवेशन है भाई, गजब का मोटिवेशन मतलब कि। और ये हो रही है भाई फौजी भाई की एंट्री ट्रेन के अंदर, और अंदर भी जाके देखते क्या नज़ारे यार, कच्चा कच्चा भरी हुई लग रही है अंदर से, स्लीपर है फिर भी इतनी भीड़। तो मैं भी अभी ट्रेन के अंदर एंट्री कर लेता हूँ, अंदर बहुत अंधेरा है आप देख सकते हैं, हम सीट को कैसे ढूंढेंगे यहाँ पर, हमारे जो जवान हैं वो आगे जा चुके हैं और दिख नहीं रहा है कुछ भी भाई यार, सब लाइटिंग वाइटिंग बंद कर रखी है। मिल गई सीट, मिल गई, सब लाइटिंग बंद है और लोग यहाँ पे खर्राटे भी ले रहे हैं। मिल गई सीट, मिल गई, मिल गई। सो गाइस अभी ट्रेन के अंदर आ गए हैं और ये वाला स्लीपर इनको मिला है, बैग यहाँ पे रख लिया है जसवंत सिंह ने, और अब यहाँ पे थोड़ी देर ही 5-10 मिनट के लिए स्टॉपेज है और फिर हम लोग अपने घर जाने वाले हैं। इनको यहाँ पे ड्रॉप कर लिया है, होटल ट्रेन थोड़ी रुकी इसलिए बाहर आए, ठीक है प्रणाम। और अब रवाना होने लगी, बिल्कुल एकदम ऑल द बेस्ट, बढ़िया आराम से, ठीक है प्रणाम। और कोई प्रणाम कर दिया, आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। ट्रेन पकड़ लो, अभी ट्रेन रवाना हो गई है, देख सकते हैं गाइस। सर सर ऑटोग्राफ, सर जय हिंद सर, ऑल द बेस्ट। तो अभी मैं नहीं दौड़ सकता हूँ ज़्यादा, ट्रेन है जो रवाना हो चुकी है आप देख सकते हैं। और मैं भागते भागते इतना दूर भी आ गया था। सो गाइस ट्रेन यही है, अभी भी निकल रही है यहाँ से और हम लोग है जो वापस अपने घर को जा रहे हैं, और अभी भी ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। और दोस्तों आप सभी को कैसा लगा ये व्लॉग आज का हमारा, आई होप पसंद आया होगा क्योंकि अच्छा था, मोटिवेशन के लिए था और बेलगावी ट्रेनिंग के लिए जो भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत मस्त था, एकदम एक नंबर। और आपको पसंद आया होगा आई होप, आप वीडियो को लाइक करना और अपने जो भी दोस्त हैं जो भी आपके तैयारी करने वाले ग्रुप है उसमें शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी जो भी अपडेट आएंगे वो सब हम आपको समय समय पर है जो बताते रहते हैं। दोस्तों इसके लिए आप सभी का प्यार सहयोग सपोर्ट है जो बना रहे निरंतर हमारे साथ में, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए और लेटेस्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।